मैंने सुना मेंबरशिप का प्राइस चेंज होने वाला है ब्रो, ये आपसे किसने कह दिया? वैसे जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जी हाँ दोस्तों, OB44 अपडेट के बाद हमारा जो वीकली और मंथली मेंबरशिप है ना, दोनों के प्राइसेस के ऊपर आप लोगों को चेंजेस नजर आने वाले हैं। तो प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर ये मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा। और तो थोड़ा टाइम के पहले मैंने आप लोगों को ये वाला रमादान स्कार्फ दिखा दिया था, पर क्या ये स्कार्फ आप लोगों को इंडियन सर्वर के अंदर भी फ्री में देखने के लिए मिलेगा? इसका आंसर भी आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए, हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट मोको हैकर स्टोर कैसा आने वाला है, नेक्स्ट रिंग इवेंट कौन सा रहने वाला है, उसके अंदर कैसे कैसे आइटम्स रहने वाले हैं, इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को इस एक वीडियो के अंदर से मिलने वाला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए, बिना किसी वक्त हर बात किए शुरू करते अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते अपना आज का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हैप्पी होली विश कर देना चाहता हूँ। हालांकि जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे तो कल होली मनाया जाएगा, और आप लोग कहाँ से हो और आपके वहाँ पे होली कब मनाया जाता है, ये सब आप लोग ना मुझे कमेंट करके बता देना। हाँ, लिख देना। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट पॉसिबल मोको हैकर स्टोर के बारे में। तो जैसे कि आप लोग अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप का न्यू मोको हैकर स्टोर अपने गेम के अंदर भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहला इमोट आप लोगों को ये ह्यूज फिस्ट वाला देखने के लिए मिल जाता है। बाहर सर्वर के अंदर रमजान इवेंट अभी खत्म होने जा रहा है, इसलिए जो है उनके सर्वर के अंदर ये वाला इमोट आ गया। पहले इंडियन सर्वर के अंदर रमजान इवेंट आने दीजिए, और जब रमजान इवेंट खत्म होने को होगा तब ये वाला इमोट भी अपने इंडियन सर्वर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इमोट हम लोग को द इन्फ्लुएंसर वाला देखने के लिए मिल जाता है। ये इमोट इंडियन सर्वर के अंदर ऑलरेडी आ रखा है। ये वाला इमोट जिसका नाम है मेक सम नॉइस, ये भी इंडिया के अंदर ऑलरेडी आ रखा है। इस इमोट के अंदर जब भी मैं इस घंटे का साउंड सुनता हूं, मेरे को कोविड टाइम का जनता कर्फ्यू का याद आ जाता है। बाकी इसके बाद हम लोगों को टेक्नो ब्लास्ट वाला इमोट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि कल ही अपने गेम के अंदर आ रखा है। ठीक है, बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट इमोट के बारे में, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इमोट है ना वो आप लोगों को एक हाइपर बुक के अंदर से सीधा सीधा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाइपर बुक के अंदर इमोट तक जाते जाते आप लोगों के बहुत सारे डैमेज लग जाते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इमोट ये फिर कह लीजिए, लास्ट इमोट जो कि ग्रैंड प्राइजेस सेक्शन के अंदर है वो है बैम्बो डांस वाला इमोट। नेक्स्ट बोनस प्राइजेस के सेक्शन के अंदर से आप लोगों को ज्यादा कुछ अच्छा खासा इमोट देखने के लिए नहीं मिलता यार, वही पुराने घिसे पीटे इमोट हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि सभी सर्वर के अंदर कभी ना कभी तो एक बार फ्री में दे दिया गया होगा। आप लोग भी इस बात को नोटिस किए होंगे, इमोट से रिलेटेड कोई भी इवेंट आता है उसके अंदर एक इमोट तो आप लोगों को ऐसे नया सा देखने के लिए मिलता है, बाकी के जितने भी इमोट्स होते हैं वो सब आप लोगों को पुराने पुराने ही देखने के लिए मिलते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, गेम के अंदर आप लोगों को ये वाला इमोट बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, ह्यूज फिस्ट वाला इमोट। इसके अलावा जितने भी इमोट्स हैं उन सबको गरेना वाले यहां पे वापस दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके जगह पे गरेना वाले कुछ और पुराने इमोट्स को भी यहां पे वापस ला दें। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। दोस्तों अभी हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेम के अंदर आने वाला न्यू इवो बंडल के बारे में। कुछ टाइम के पहले मैंने आप लोग को ये वाला लोगो दिखाया था, और ये भी बताया था कि OB44 अपडेट में ये वाला अपना गेम का लोगो होने वाला है, और इस लोगो के अंदर जो बंडल है ना वो हमारा नेक्स्ट इवो बंडल होने वाला है। अभी तक इस बंडल का फुल रिव्यू निकल के नहीं आया, जो कि फाइनली अभी हम लोग को देखने के लिए मिल चुका है। लाज भाई, इसका शक्ल तो वो लोगो वाले बंडल के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हारा समस्या है। वाह छोटू, तू तो काफी साथ ही निकला की ये तूने सही चीज नोटिस किया है। बंडल के अंदर एक और चीज भी था जिसे तुझे जरूर नोटिस करना चाहिए था। दोस्तों अब आप लोग भी देख लीजिए, जैसे कि इस बंडल के यहाँ पे सीने में और यहाँ पे नीचे एक लोगो टाइप का बना हुआ है, बिल्कुल सेम लोगो यहाँ पे आप लोगों को इस बंडल के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। लास्ट टाइम हमारे गेम के अंदर जो इवो बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिला था उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था। पहले इस बंडल का लुक थोड़ा आप लोगों को अलग सा देखने के लिए मिलता था, फिर लुक चेंज करके आप लोग इस बंडल को ऐसा कुछ बना सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही गरेना वालों ने अपने नेक्स्ट इवो बंडल को भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिजाइन किया है। नॉर्मली बंडल आप लोगों को कुछ इस टाइप का दिख जाएगा, अब आप लोग इसका लुक चेंज करो तो बंडल कुछ इस टाइप का बन जाएगा। बाकी अभी आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए इस न्यू इवो बंडल को देखने के बाद आप लोगों का रिएक्शन कैसा है। मजा आया। बाकी इस बंडल को पहनते हुए जब आप लोग किसी मेडिकिट को यूज करोगे या फिर कहीं से आप लोग जंप वगैरह करोगे, आप लोगों का एनिमेशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों को पिछले वाले इवो बंडल के अंदर देखने के लिए मिला था। इन सब इफेक्ट्स को देखने के बाद ना मेरे को न्यू इमोट्स का भी याद आ गया। अभी तक मैंने अपने चैनल के ऊपर OB44 अपडेट का किसी भी इमोट का यहाँ पे रिव्यू नहीं किया था, पर अभी लोगो वगैरह निकल के आ रहे तो आप लोग देख लीजिए। पिछले ओबी अपडेट के अंदर कुछ इमोट्स ऐसे आ गए थे जो कि हो सकता है किसी किसी को पसंद आए, हो सकता है किसी किसी को पसंद ना आए, पर आई एम डैम श्योर गाइस OB44 अपडेट के अंदर जितने भी सारे इमोट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे लोगों से
ऐसा लग रहा है आप लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करोगे। आप लोग तो हमारे बुए पास वाले वीडियो देखना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हो, मुझे पता है गाइस, लेकिन अगर आपने हमारा मैं बुए पास वाला वीडियो देखा होगा, आप लोग को मैंने इस वाला लोगो दिखाया था और ये भी बोला था कि ये वाला इमोट आप लोग को मैं बुए पास के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। गेस व्हाट, इतने सारे इमोट्स के बीच में यहाँ पे आप लोग को हॉर्स वाला इमोट भी एक देखने के लिए मिल जाता है, जिसे देखने के बाद में 100% कंफर्म हूँ कि ये वाला इमोट ना आप लोगों को अपने मैं बुए पास के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। क्या बात, ये बात है। फिर दोस्तों अब चलिए इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं गेम के अंदर आने वाला कुछ इस टाइप के स्कार्फ के बारे में और क्या ये आप लोग को रमादान इवेंट के अंदर से फ्री में देखने के लिए मिल सकता है, ये मैं आप लोग को आज क्लियर करके बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना अगर आप लोग ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो रोज देखना चाहते हो। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा रमादान इवेंट का इंटरफेस। थोड़ा नीचे आने पर हम लोग को कुछ और फ्री वर्ड यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल स्किन। सबसे नीचे आने पर हम लोग यहाँ पे वही वाला स्कार्फ का एक मिशन देखने के लिए मिलता है, बेसिकली लॉगिन का मिशन है। मैंने ऑलरेडी 3 दिन तक लॉगिन कर लिया है तो मेरे को इतना सारा रिवार्ड्स फ्री में मिल गए। अगर मैं 5 दिन तक लॉगिन करता हूँ तो फिर मेरे को यहाँ पे ये वाला स्कार्फ भी यार फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी बड़े आराम। जितने भी लोग पूछ रहे थे राज भाई क्या ये स्कार्फ हम लोग को इंडिया के अंदर भी फ्री में देखने के लिए मिलेगा, तो आंसर है हाँ, ये वाला स्कार्फ आप लोग को इंडिया के अंदर जरूर फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला एपिसोड दोस्तों, अभी हम लोग को गेम के अंदर होल स्पेशल एक रिंग इवेंट देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर वही ज्यादातर बंडल्स आप लोगों को पुराने देखने के लिए मिल जा रहे हैं और जो भी न्यू बंडल है, जो भी न्यू गन स्किन है, वो ज्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, ये तो टट्टी है। लेकिन मुझे पता है नेक्स्ट रिंग इवेंट जो गेम के अंदर आने वाला है उसे देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन जरूर चेंज होगा। मैं नहीं मानता। आप लोग पहले एक बार देख तो लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि हाँ मानना है कि नहीं मानना है। चलो ठीक है। ओके, तो पेश है आप लोग के सामने वो वाला स्पेशल रिंग इवेंट जिसके अंदर ना आप लोग को न्यू बनी बंडल देखने के लिए मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस बनी बंडल का नाम है लुमिनस बनी बंडल। यार बनी बंडल के लिस्ट में ये बंडल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, कसम से बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी आप लोग को ये बंडल कैसा लगा आप लोग मुझे एक बार बता देना, ठीक है। इस बंडल को पार्ट बाय पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को इसका ना मास्क या फिर हेलमेट के लिए कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर भरपूर एनिमेशन डाल रखा है गरेना ने, ठीक है। फिर जूते आप लोग को कुछ इस टाइप के नॉर्मल से देखने के लिए मिलते हैं, फिर कुछ इस टाइप के पैंट भी है और लास्ट में जाकर के कुछ इस टाइप का एक जैकेट भी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एनिमेशन तो है पर बहुत कम है। सबको कंबाइन करने के बाद पूरा बंडल आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा सेमी रिंग इवेंट के अंदर आप लोगों को एक ग्लोबल स्किन भी देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोबल उतना अच्छा नहीं है मानता हूं, ठीक है। पिकअप ट्रक का स्किन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये भी मानता हूं। और तो लूटबॉक्स भी यार पुराना सा है, इसके ऊपर क्या ही बात करना। लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक और बंडल भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि है साइबर बनी बंडल। और आप लोग थोड़े टाइम से फ्री फायर खेल रहे हो, आप लोगों को पता होगा ये वाला बनी बंडल ना अपने लास्ट ईयर गेम के अंदर आया। अगर हम लोग दोनों बंडल्स को कंपेयर कर ले, इस पिछले साल वाले बंडल को या फिर नए वाले बंडल को, कौन सा आगे निकलेगा? मेरे ख्याल से नया वाला बंडल थोड़ा ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि लास्ट ईयर वाला बंडल जो है वो थोड़ा सा बल्की दिखता है, बहुत हेवी दिखता है। बाकी पूरा का पूरा रिंग इवेंट आज इट इज आप लोगों को इंडिया के अंदर भी बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, क्योंकि बाहर के बहुत सारे सर्वर के अंदर ऑलरेडी बनी इवेंट स्टार्ट हो चुका है। हालांकि इंडियन सर्वर के अंदर आप लोगों को ईस्टर इवेंट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, कनाडा वालों को अपना बंडल भी तो बेचना है, इसलिए ये वाला इवेंट आप लोगों को इंडिया के अंदर भी बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। ओके 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 ओके। दोस्तों अभी हम लोग वीडियो के अंदर लास्ट टाइम के लिए आगे बढ़ेंगे और बात करना चाहेंगे आज का हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक के बारे में। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि हमारा जो मेंबरशिप है उसके अंदर हम लोग को चेंजेस नजर आएंगे, जो कि यार बिल्कुल ही सही बात है। मैं आप लोग को अभी बताता हूँ चेंजेस कैसे होने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पहले वीकली मेंबरशिप को लेने के लिए 159 रुपीज पे करते थे और मंथली के लिए आप लोग को 799 रुपीज देना पड़ता था। वहीं पे अगर कोई बंदा दोनों को एक साथ ले लेता था तो फिर उसको यहाँ पे सुपर VIP मेंबरशिप मिल जाता। इसके अंदर डेली आप लोग को 15 डायमंड्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और भी काफी सारे यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं। 44 अपडेट के बाद क्या होने वाला है गाइस, ये सुपर VIP का फीचर गेम के अंदर से हटने वाला है और जो 15 डायमंड्स आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलते थे ना वो भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे। दोस्तों आप लोग रोइए मत, क्योंकि इसका एक फायदा भी आप लोगों को मिलने वाला है। फायदा कुछ ऐसा है कि वीकली और मंथली दोनों ही मेंबरशिप के अंदर ना आप लोगों को थोड़ा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डायमंड्स भी करने वाले 15 डायमंड्स कम कर दे रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि वीकली मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को 10 रुपए और मंथली मेंबरशिप के ऊपर 50 रुपए का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिले। बड़ा खुश हो रहे हो? और खुश होना वैसे कोई बुरी बात नहीं है गाइस, आप लोग हमेशा खुश रहो, मेरा भगवान के सामने यही प्रार्थना है, ठीक है। चलिए दैट्स इट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाय।